लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। गुजरात में चुनाव जोरों पर है। हर गली चौराहे में आपको राजनीति की बातें सुनाई देगी। हर राजनेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई भी राजनीति पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है गुजरात की रैली को संबोधित करने में या फिर वहां की सत्ता हासिल करने में। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे क्यों रहते हैं? मोदी ने गुजरात के भरूच की चुनावी रैली में कहा कि कांग्रेस ने देश के 70 साल बर्बाद कर दिए हैं। वे गुजरात में भाई भाई को बांट रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अमेठी के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का सफाया जैसे हुआ, ठीक उसी प्रकार भरूच में भी आप सभी करके दिखा दें। बता दें कि मोदी रविवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर है। भरूच की रैली में मोदी ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने एक छत्र राज किया, कितने प्रधानमंत्री दिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी की कर्मभूमि रही, लेकिन पिछले दिनों जब चुनाव के नतीजे आए तो क्या हुआ? आप भी एक उंगली से बटन दबाकर ताकत दिखा दो। अब कांग्रेस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। 9 तारीख को उन्हें बता देना अपनी ताकत। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। तो आज भरूच की रैली में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए। एवं बेहतर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए अपडेट आप तक जल्द प्राप्त हो सके।